गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PVR स्टडी। जीरो लेवल की मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार रघुवंशी आपके सामने आपकी फेवरेट क्लास लेकर के। साथियों, आज के लगभग 6 महीने पहले ये जीरो लेवल मैथ का दूसरा पार्ट पब्लिश हुआ था, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, उसमें हमारे प्रिय साथी जी ने एडिट करते समय म्यूजिक लगा दिया था, तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आज हम उसको लेकर के उपस्थित हैं। अपडेट फर्स्ट, आज से सभी पुरानी क्लास को अपडेट किया जाएगा जिसमें कोई भी समस्या है। और एक बात हम आपको बता दें, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज से 100% गारंटी के साथ आपको सिखाया जाएगा एकदम जीरो से। इसका अनुमान आप इस क्लास से आज लगा सकते हैं अगर आपने 10 मिनट देख लिया तो, क्योंकि 10 ही मिनट में हम आपको इतना कुछ बता देंगे कि आप यकीन कर लेंगे कि हाँ, कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। साथियों, आज हम आपका भाग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहते हैं। भाग मीन्स डिवीजन। देखिए, भाग कितना प्रकार की होती है ये सब हम आपको दिखा देंगे सिर्फ एक ही क्लास में। पूरा देखना क्लास को, छोड़ के मत जाना बस। चलिए, छोड़ के ना जाना तुम आधे हजार करके। पहला प्रकार का भाग ये होता है जो पूरा तरह कट जाता है, जिसमें कोई भी शेषफल नहीं आता है। जैसे 2 का भाग हमने दिया 2 × 2 = 4, 0 शेषफल आया, है ना। टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकेंड देखना। दूसरा प्रकार का भाग वो होता है प्रिय बंधु जिसमें शेषफल आता है, ये जैसे 4 × 4 = 16। ये 2 टाइप हुआ ना, अभी बहुत टाइप का दिखाने वाला हूँ, ध्यान देना, अंतर समझ में आएगा सब में। इसमें अंतर कुछ समझ में आया होगा अभी ज़्यादा नहीं। अगला देखना, हाँ अगला टाइप में देखना, ये इसमें तो एक शेषफल आ गया। टाइप थर्ड देखना, जैसे हमने लिखा है 175, हम उसी क्लास के सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल करेंगे क्योंकि आप लोगों को बड़ा पसंद आ रहा था वो। फिर से इसमें भाग करो, 4 × 16, देखिए सब ट्रैक क्या बनाया ना, ऊपर से 5 उतार लो, अंतर है, इससे अंतर उसमें था, उससे अंतर इसमें होगा। ऊपर से 5 उतार लिया, अब 4 × 3 = 12, देखो फिर इसमें क्या आ गया, 3। शेषफल तो इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, लेकिन उसमें इसमें अंतर है। तीसरा टाइप का हुआ ना। चौथा टाइप का देखना अब आप लोग, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, इसलिए पूरा देखना। चौथा टाइप, ये तो शेषफल आ गया, इसमें शेषफल नहीं आया। इसमें अगर अब शेषफल ना लाना हो इसी में, जैसे पूरा भाग करना है, तो क्या करेंगे, 10 हमलों वाला। फिर ये 4 बार जाएगा, 16, 1 आया सबट्रैक्ट करने पे, ऊपर का 5 उतार लिया, 4 × 3 = 12, अब क्या होगा, 3 आ गया। साथियों अब क्या करेंगे, इसको हमें पूरा कंप्लीट काटना है, नहीं कट रहा फिर भी काटना है। ऊपर 10 हमलों बढ़ा के यहाँ 0 उतार लेंगे, अब 4 × 7 = 28, यहाँ आप देखिए तो घटाने पे 2 आया। एक बार 10 हमलों बढ़ाने के बाद हम बार बार 0 उतार सकते हैं, इसलिए हम यहाँ फिर 0 उतार लिए, 4 × 5 = 20। देखिए चौथा टाइप का भाग हो गया, पूरा कट गया, है ना, मज़ेदार है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का बिल्कुल तुरंत, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करना बिल्कुल। हो गया, चलिए टाइम नहीं लास्ट करना है। एक पांचवा टाइप का भाग देखना, दिल थाम के देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन। वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। देखिए साथियों, पांचवा टाइप क्या है, बस ज़्यादा नहीं, उतने बड़ी क्लास होगी जितना बड़ी थी। पांचवा टाइप का ये भाग है आपका 5 टाइप का। जैसे अगर आपको 20 में हम भाग करा दें 3 का, अब देखना इसमें कोई गुंजाइश नहीं लगने वाली। ये 3 × 6 = 18, घटाने पाया 2, ऊपर 10 हमलो नीचे 0, फिर 3 × 6 = 18, घटाने पाया 2, अब क्या करोगे। एक बार 10 हमलो के बाद आप बार बार 0 उतार सकते हो, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18। यहाँ आप ये नोटिस करेंगे कि बार बार ले जाओ इसको, 1000 बार ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, 3 × 6 = 18, कोई उम्मीद लग रही कभी कटेगा, ये कभी ना कटेगा। बार बार ले जाओगे बुढ़े हो जाओगे, बीबी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन ये कटने वाला नहीं भाग, ठीक ना। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इसके 2 भागफल लिखे जा सकते हैं। एक तो ऐसे आप लिख सकते हो 6.6 के ऊपर बार, चूँकि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसका भागफल इतना हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख सकते हो 6.67। ऐसा क्यों लिखोगे, चूँकि देखिए 6.6 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, बट ये तरीका सही नहीं 6.7 वाला। साथियों ये गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये राइट ही है, ठीक।
तो आपने देखा पांच प्रकार के भाग, देखा ना, बात समझ में आई। ये है जीरो लेवल की मैथ पीवीआर स्टडी के साथ। अगर आप नई बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ आसान है, जी बिल्कुल मैथ आसान है। दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, मैं करूँगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है। आसान है, आसान है मैथ, आसान है ये मैथ आसान है। आपका चैनल है नया चैनल, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो, यहाँ से आपको नई बैच की क्लास मिलेगी, ठीक ना। आगे देखना अभी आगे क्या होता है। देखिए साथियों, गुणा मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, देखिए जीरो लेवल की मैथ का दूसरा क्लास है ये। पहला क्लास में आपने जोड़ घटाना सीखा था, नहीं देखा तो कमेंट करना, उसको भी दिखा दिया जाएगा। गुणा में देखिए कई प्रकार का होता है। गुणा होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, गुणा जो है ये जोड़ने का ही एक दूसरा भाई है, ठीक। गुणा या जोड़ दोनों एक ही होता है, मतलब आप कहेंगे कैसे मतलब एक ही होता है। इधर देखो, जैसे पाँच का गुणा तीन में करना है ना, तो आप जानते हो पाँच तिया पंद्रह होगा, होगा ना, पाँच तिया ही पंद्रह होगा। लेकिन जिससे गुणा करना है और कितनी बार करना है, तीन बार, आप उसी नंबर को अगर उतना बार जोड़ दो तब भी आपको उतना आ जाएगा। बात समझ में आई ना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। जिस नंबर को आपको जितनी बार गुणा करना है, उस नंबर को आप उतनी बार अगर जोड़ दो तब भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ये गुणा का भी एक रूप हो गया। इसको करके देख लो, तीन दूना छः, तीन नवा सत्ताईस, ठीक, थ्री और 92 को आप थ्री बार ऐड करो, ठीक है, 92 को आप थ्री बार ऐड करो या थ्री को 92 बार ऐड करो, यही आएगा। करके देख लो, 92 को थ्री बार आसान है, लेकिन उसको जो है थ्री को 92 बार नहीं आसान। ये 6 9 9 18 9 27, बात समझ में आई ना। ये था मल्टीपल का बेसिक कॉन्सेप्ट और भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको क्लास कैसी लगी बताना कमेंट करके। इसमें हम आपको ट्रिक भी बता सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको ट्रिक नहीं सिखाने वाले, चूंकि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आप हमारी बातों को समझने की कोशिश करना और क्लास को लाइक कर देना तुरंत। अगर पढ़ना चाहते हो, वास्तव में सीखना चाहते हो, तो क्लास को अभी तुरंत लाइक करके और बेल आइकन को ऑन करना, जिससे आपको और क्लासें मिल सकें। ये तो एक अंक का था। अब देखो इधर 95 अगर इसका गुणा करना हो 29, थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। ये बड़ा नंबर हो गया ना, दो अदत में होगा जिसे कहते हैं, दो अंक में। 9 का गुणा करो, 9 5 45 हासिल कितना आया, 4 और 9 9 81 81 4 85, क्लियर। 9 5 45 हासिल 4 9 9 81 4 85। अब इसके नीचे एक क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं इकाई की तरफ से, जो अंतिम अंक होता है। 2 का कर लो, 2 5 10 हासिल 1 और 2 9 18 1 19, जोड़ दो, ये 5 हो गया, ये 5 9 8 17 7 हासिल 1 1 1 2, देखिए 2755 आ गया है ना, कितना आसान। करके देख लो, अच्छा लगेगा। तो साथियों, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप डेली क्लास देखना चाहते हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और क्लास को ज्वाइन करिए, निसंकोच आप सीख सकते हैं। पीवीआर स्टडी के सभी पार्ट्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको गणित सिखाने की गारंटी ली जाती है और आपको सारे क्लास आपके व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, चलते हैं आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि पीवीआर स्टडी की कई बैच चलती हैं जीरो लेवल की, जो कि हर मंडे लगभग न्यू बैच होती है। अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और जीरो लेवल मैथ अपनी सुविधा के अनुसार आप परचेज कर सकते हैं। साथियों, मात्र 599 रुपीज में आपको कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का पूरा कंप्लीट मैथ मिलेगा। कोई डाउट होगा वो भी क्लियर किया जाएगा, सब कुछ मिलेगा पीवीआर स्टडी के साथ। अगर नहीं करना चाहते हो मत करो, इसको एक भी रुपये नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को ऑन करके रखो, इस तरह से आपको बहुत सारी क्लास यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। तो आपके दिल में जो भी सवाल उठ रहे हैं, उससे आप कमेंट करिए, हम इस समय कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम आपको उसको ज़रूर दिखाएंगे जो भी आप पूछेंगे। और हाँ, कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, जिससे कि आप घर से भी कुछ कर सकें, क्योंकि होमवर्क बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग इसको करके लेके आना, 93 का 2 से भाग करना, शेषफल बताना, इसका कर लेना, ठीक, और इसका कर लेना एक, और एक इसका भी कर लेना, ठीक ना। इसका सबको करके और लेके आओगे, कमेंट करना लाके आंसर, ठीक ना। कोई और सवाल है तो बोल दो जल्दी से। देखिए, हम ज़्यादा तेज तेज बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, आप लोग कहते हो ना, उसका रीज़न क्या है, जिससे आपको सब कुछ समझ में आए, बातें क्लियर हो जाएं।
ठीक ना, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक पहुंच सके। ये फ़ोन पे का नंबर है, गूगल पे का नंबर है, पेटीएम का भी नंबर है, सॉरी पेटीएम नहीं, व्हाट्सएप का भी नंबर है, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। ये क्लास अपडेट कर दी गई है चूँकि इसमें पिछली क्लास में म्यूजिक लगा दिया गया था। शुक्रिया।